गंजी लड़की की जादुई चोटी। एक बार की बात है, सुंदरपुर नामक गांव में अन्नू अपनी सौतेली माँ माया और अपनी सौतेली बहन शीला के साथ रहती थी। अन्नू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसके लंबे और घने बाल की वजह से उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उससे बहुत जलते थे और उसकी खूब पिटाई भी करते थे। दोनों माँ बेटी मिलकर अन्नू को घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते थे और उससे घर का सारा काम भी करवाते थे। एक दिन अन्नू की सौतेली माँ उससे कहती है, ए अन्नू की बच्ची, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए इस घर को पूरा अच्छे से चमका दे और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार कर दे। और सुन, ये सब काम टाइम पर हो जाना चाहिए, समझी ना। शाम को लड़के वाले शीला को देखने आते हैं। अन्नू उनके लिए चाय लेकर जाती है। अन्नू को देखकर लड़के की माँ शांति कहती है, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, ये कौन है बहन जी? अरे बहन जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ए लड़की, तू यहाँ खड़े खड़े हमारा मुँह क्या देख रही है? जा, जाकर कुछ खाने को भी लेकर आ। अन्नू की खूबसूरती देखने के बाद लड़के वालों को शीला बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपकी नौकरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी बेटी सुंदर नहीं है, इसीलिए हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं, प्रणाम। ये कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों माँ बेटी अन्नू पर टूट पड़ती हैं और उसे बहुत मारती हैं। उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती हैं। तब उसकी सौतेली माँ माया कहती है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में होते होते रह गई। ये सब तेरी वजह से, सजा तो तुझे मिलेगी। लेकिन मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? माँ, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर लड़के वालों के सामने आती है। मैं तो कहती हूँ माँ, हम इसको बहुत ज्यादा बदसूरत बना देते हैं, हम इसके बाल काटकर इसको गंजा बना देते हैं, तब ये बिल्कुल छछुंदर लगेगी। दोनों मिलकर कैंची से अन्नू के सारे बाल काटकर उसको गंजा बना देते हैं। अन्नू बेचारी मन ही मन बहुत रोती है। तभी शीला कहती है, बिल्कुल जोकर लग रही है ना माँ, ऐसे इसको देखकर कोई पसंद नहीं करेगा, बल्कि इसको देखकर इसका मजाक उड़ाएंगे, मजा आ गया आज तो। तभी एक दिन अन्नू के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोनी था। उसको ये बात पता चलती है कि अन्नू की सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर अन्नू को गंजा कर दिया है और वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। उसे अन्नू पर बहुत दया आती है क्योंकि रोनी अन्नू को चाहता था, इसीलिए वो अन्नू से कहता है, अन्नू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एक नेक दिल और अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अन्नू। लेकिन मेरे सर पर तो बिल्कुल बाल नहीं है, तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बेहतर होगा तुम कोई और लड़की देख लो, अगर तुम्हें मेरे साथ लोग देखेंगे तो वो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे रोनी, और मैं ये नहीं चाहती। तुम इसकी चिंता मत करो अन्नू, मुझे से कोई समस्या नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी शक्ल से नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें शहर ले जाता हूँ, वहाँ मेरी चाची है, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है, मैं तुम्हें कल ही उनके पास ले जाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरी चाची तुम्हें फिर से पहले जैसी सुंदर बना देंगी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, मैं कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। रोनी अपनी चाची को सारी बात बता देता है। फिर उसकी चाची अन्नू को एक जादुई जड़ी बूटी वाला तेल देती है और साथ ही जादुई एक चोटी यानी विग भी देती है। तभी उसकी चाची कहती है, ये एक जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा खूबसूरत बाल आ जाएंगे, और ये जादुई चोटी है, ये हमेशा तुम्हारी लोगों से रक्षा करेगी।
अनु जादुई तेल और जादुई चोटी लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। जादुई तेल को लगाते ही 2 दिन के अंदर अनु के सर पर सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और हर तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगते हैं। तभी ये बात उसकी बहन शीला को पता चलती है और तभी उसकी सौतेली बहन शीला कहती है, अरे ये अन्नु की बच्ची तो फिर से खूबसूरत हो गई। हर तरफ उसकी खूबसूरती की तारीफ हो रही है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तुम ठीक कहती हो बेटा, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब हमें अन्नु को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन दोनों माँ बेटी अन्नू को किसी बहाने से जंगल में लेकर जाते हैं और उसे एक गुफा के अंदर कैद कर देते हैं। तभी अन्नू की सौतेली माँ उससे कहती है, अपनी खूबसूरती पर बड़ी इतराती फिरती थी ये अन्नू की बच्ची, अब जिंदगी भर इस गुफा में कैद रहने के लिए तैयार हो जाओ। अनु मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ उसकी जादुई चोटी आती है और कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। अब मैं इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर ही रहूँगी। तभी जादुई चोटी दोनों माँ बेटी को जोर जोर से करंट के झटके देने लगती है और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं। और तभी शीला कहती है, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, बिजली के झटके तो हमें मार ही डालेंगे। हमें कोई बचा लो, हम वापस ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलतियों की सजा इस तरह से मत दो, बचाओ। तभी अन्नु को इन दोनों पर दया आ जाती है, वो उन दोनों को माफ कर देती है। इस तरह अन्नू की सौतेली माँ और सौतेली बहन को सबक मिल जाता है और वो दोनों हमेशा के लिए सुधर जाती हैं। उधर अन्नू की कुछ ही दिनों बाद रोनी से शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।